हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी विषय के प्रश्न बैंक के हल को। तो आज इसमें हम अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे, यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 12वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और उसी के साथ 12वीं इंग्लिश के प्रश्न बैंक के भी सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट दी गई है, वो भी आप वहाँ से सब देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न यानी 3 अंकों वालों के उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले ये इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न हैं, तो कुल 7 प्रश्न हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इन चाहे तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं यहाँ से, फिर हम एक एक करके इनके उत्तर को देखते हैं। तो पहला उत्तर हमारे पास है, सबसे पहले प्रश्न था, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग वी से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तब वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कण पर लगने वाले लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए कण के लिए QVB बराबर MV² / R, तो इससे V/R बराबर QB/M। अगली स्टेप है 2πN बराबर QB/N V/R बराबर W बराबर 2πN, या N बराबर QB/2πN। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न में उत्तर है, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमें वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये उसके बाद माना कि एक तार AB R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में मुड़ा है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को अनेक समान अल्पांशों में बांटते हैं। माना कुंडली का एक अल्पांश AB है, जिसके कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर μ0/4πIAB sin θ/r², जहां थीटा अल्पांश AB तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। उसके बाद ये डायग्राम है, इसे आप बना लीजिए। और फिर इसके नीचे है, चूंकि परिधि का अल्पांश त्रिज्या के लंबवत होता है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। अतः अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर μ0/4πIAB sin 90 डिग्री/r². तो इससे आएगा μ0/4πIAB/r². केंद्र O पर क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, इसलिए प्रत्येक अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान ही होगी। अतः पूरी कुंडली के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा, अर्थात B बराबर σ∆B। तो सिग्मा बराबर μ0/4πIAB/r², तो B बराबर μ0/4πI/r² σ AB। परंतु सिग्मा ए बी बराबर 2πr बराबर वृत्ताकार तार की परिधि, तो B बराबर μ0/4πI/r²
पाई आर, तो इसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई I बटे आर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो कुंडली संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI बटे आर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.1 फेरे लपेटे गए हैं तथा इसमें धारा 1000 तार के मीटर है। इसमें 2 एम्पियर प्रवाहित एक होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो B बराबर म्यू 0 NI/2R, ये सूत्र है। इसमें 4π × 10^-7 × 1000 × 0.1/2 × 0.1 रखेंगे तो B बराबर आएगा 6.20 × 10^-4 टेस्ला, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो कुंडली में फेरों की संख्या n, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b एवं कुंडली के क्षेत्रफल a बढ़ाने पर सुग्राहिता भी बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पांचवा प्रश्न है, किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चित्र में एक परिनलिका जिसकी त्रिज्या r व लंबाई l है एवं फेरों की संख्या n है, परिनलिका में धारा I प्रवाहित करते हैं। परिनलिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए यहाँ पे पूरा ये फार्मूला है, उसके बाद ये डायग्राम और डायग्राम के नीचे पूरा ये डेरिवेशन हल किया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से डेरिवेशन को पूरा यहाँ से नोट कर लीजिए और फिर इसके नीचे ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक व्यंजक आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है हमारे पास, जिसमें बायो सेवर्ट का नियम लिखना था। तो ये सबसे पहले बायो सेवर्ट के नियम के लिए चित्र है और यहाँ पे नियम लिखा हुआ है पूरा, तो इसको आप यहाँ से नोट करते जाइए। तो यहाँ से आपने इस पूरे नियम को नोट कर लिया होगा, ये इसमें 4 पॉइंट है यहाँ तक। उसके बाद इन चारों पॉइंटों को मिलाकर लिखा गया है, उपयुक्त चारों को मिलाकर लिखने पर तो हमारे पास यहाँ पे व्यंजक आएगा। उसके बाद हम उससे मात्रक की परिभाषा देंगे, 1 एम्पियर मात्रक जो है उसकी हम परिभाषा देंगे, तो ये परिभाषा भी हो जाएगी नीचे। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 में एक सवाल है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो ये पूरा एक सवाल है जो कि यहाँ पे हल किया हुआ है, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, तो आप इसे पूरा यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये 7ों लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट को देखेंगे, अगले पार्ट को।